हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए व्लॉग में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है दिन के 10:30 बजे से। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं घर से, जैसे आप लोग देख सकते हो। और मैंने व्लॉग डाला हुआ था कि मैं घर चली गई हूँ। तो आज है मकर संक्रांति और इसीलिए हम घर भी आए हुए थे, क्योंकि मैं थोड़ा टाइम और रुकती लेकिन त्यौहार था घर में, मम्मी पापा अकेले थे तो इसलिए हमें जल्दी आना पड़ा। पहले आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो इस त्यौहार को हमारे उत्तराखंड में हमारे पहाड़ों में घुघुतिया भी कहते हैं। तो इस दिन हमारे यहाँ घुघुते बनाते हैं, मतलब जो जो भी मतलब प्रक्रिया होती है, रीति रिवाज होते हैं, तो वो सब मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो आप लोग ब्लॉग में बने रहना। तो यहाँ बहुत ज़्यादा तेज़ धूप आई हुई है और रुद्रपुर में तो बिल्कुल भी ज़्यादा धूप नहीं थी। तो फाइनली मैंने नहा धो लिया है और पीठिया वगैरह भी लगा दी है, पूजा पाठ कर ली है और ऊपर बनने लग गए हैं। घुघुते हो तो सुबह से ही बनने लग गए थे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कैसे बना रहे हैं करके। पर घुघुते वगैरह बन रहे हैं और अभी हम खा रहे हैं खाना। तो आज खाने में बनी है खिचड़ी, क्योंकि आज सभी के घर में खिचड़ी बनती है हमारे पहाड़ों में, हमारे उत्तराखंड में। तो सब लोग आज के दिन खिचड़ी खाते हैं, मांस की खिचड़ी, मांस यानी उड़द, उड़द की खिचड़ी खाते हैं। और आदर्श के घुघुते बन रहे हैं, इतने बन चुके हैं और मैं खा रही हूँ खिचड़ी। और बाबू ये उठा हुआ है, देख रहे हैं हमको। तो घुघुते वगैरह बन चुके हैं और अभी धूप आई हुई है तो हम यहाँ पे धूप सेक रहे हैं और अब मैं काट रही हूँ। तो अभी मैं अंदर बैठी हुई हूँ और बाबू को सुला रही हूँ, वो सो नहीं रहा है। तो नीचे घुघुते वगैरह तलने लग गए हैं तो मैं अभी बाबू के साथ हूँ, क्योंकि ये परेशान कर रहा है और इसको बाहर ले जा नहीं सकती, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है और मौसम ठंडा हो गया है तो इसको भी ठंड लग जाएगी। तो आगे की वीडियो आदर्श बनाएगा, ये है मेरा भतीजा, वो आगे की वीडियो बनाएगा। तो ये आप लोग को सभी दिखाएगा क्या क्या होता है घुघुते के त्योहार में। तो गाइस ये कुछ खजूर जो कि अभी हमने तले नहीं है, ये सारे मैंने बनाए हैं घुघुतों के साथ, इनको भी बनाते हैं। तो अब चलते हैं हम नीचे को, नीचे से पहले हम आपको व्यू दिखा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पहाड़ों में मौसम ऐसा ही रहता है। ये अब हम अपने दादाजी लोग को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे घुघुते तल रहे हैं। देखो और यहाँ पे कुछ घुघुते तल रहे हैं और कुछ घुघुते यहाँ पे बन चुके हैं और कुछ घुघुते इसके नीचे भी हैं। देखो ये अभी बने नहीं हैं, देखो ये, और ये बने वाले। अब दादाजी कुछ बोल रहे हैं इस त्योहार के बारे में, आप बताओ। हमारा बड़ा त्यौहार माना जाता है इसको, और बहुत खुश घुघुते त्यौहार कही जाए, इससे मकर संक्रांति होती है ये, और इसको बड़ा त्यौहार माना जाता है हमारे यहाँ। इसको घुघुती का त्यौहार बोला जाता है, त्यौहार यानी कि त्यौहार, जैसे कि कोई शहर हो वहाँ इसको मकर संक्रांति बोला जाता है। तो फाइनली माला वाला बना ली है और बाबू की माला भी बन चुकी है। तो मैंने माला इसलिए नहीं दिखाई, उसकी सुबह दिखाऊंगी नेक्स्ट ब्लॉग में। तो सुबह सूर्य देवता को दिखाते हैं जो घुघुते की माला बनाई होती है। तो आज का त्यौहार कुछ ऐसा रहा, तो मैं थोड़ा बहुत बिजी भी हो गई थी इसके साथ, क्योंकि ये परेशान करता है तो बच्चों के साथ कहाँ टाइम मिल पाता है इतना कि मैं सब चीज़ शूट कर सकूँ। तो अकेले रहती हूँ और लोग काम करने में लगे रहते हैं तो मुझे इसको देखना पड़ता है। तो आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।